आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के दमोह जिले का एक कुआं चोरी की घटनाओं का राज खोल रहा है। जहां पुलिस दो दिनों से चोरी का माल बरामद करने में जुटी हुई है। दरअसल मामला दमोह जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां चोरी के खुलासे के बाद पुलिस पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर कुएं के अंदर से चोरी का माल बरामद कर रही है। वो सिम कार्ड वगैरह जितनी रात में निकली थी वो TI साहब ले गए थे सब यहीं से आके। वो जो LED निकली थी वो भी ले गए थे, साथ में होम थिएटर ले गए थे। वो क्या है बाक्स बड़े 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 निकले थे, जो सब सामान वो ले गए थे। और बोल रहे थे कुआ खाली हो जाएगा, सवेरे कर लेना। हमने ठीक है सवेरे प्रयास किया तो फिर निकले 150-200 आधार कार्ड परिचय पत्र बैग वगैरह। अब फिर कुआ खाली हो रहा है, अब फिर देख रहे हैं नाइट में अब कहाँ मिल रहा है, फिर निकालेंगे अभी। अब क्या लगता है कितना और नुकसान मिल सकता है? अभी तो उसमें मुतका सामान है, फंस रहे हैं, हाथ में नहीं आ रहा, वजनदार चीज़ें हैं। अब खाली होगा फिर उसके बाद निकालेंगे अब उसको। मोटरसाइकिल भी इसके अंदर? हाँ बता रहे, पुलिस ही बता रही है कि भाई उन्होंने मोटरसाइकिल बताई है, तो निकाल रहे हैं। अगर निकलेगी तो बाप बाहर ही आएगी वो तो। और क्या कहा सामने में TV है? अब TV वो LCD बता रहे कि LCD डली अंदर, वो LCD भी निकालेंगे। अब जो निकलेगा सब निकाल देंगे आज। बताया गया है कि दमोह की कोतवाली पुलिस ने जिस चोर गिरोह को पकड़ा था उसने चोरी का कुछ सामान कुएं में फेंकना बताया था। ये जो कुआं में चोरी का जो बैग वगैरह और ये सामान मिला है, इसमें कलश अस्थियां भी मिली हैं। इन चोरों ने कलश अस्थियों तक को नहीं बख्शा है। इसमें आधार कार्ड, ATM कार्ड, परिचय पत्र, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से लेकर बम्बई तक के आधार कार्ड, ATM कार्ड यात्रियों के मिले हैं। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा इन चोरों ने। कम से कम 50 से 60 से 70 भी हो सकते हैं, इतने बैग पर्याप्त मिले हैं हम लोगों को। उसमें कपड़े में चड्डी, बनियान, जीवी, बुरुस, मंजन और धोती वगैरह। अगर ये लोग लूटते थे तो खाना तक लूट लिया इन लोगों ने, कुछ भी नहीं बचा है कुएं में। और अभी तक कुआ खाली, अभी कुआ खाली हो रहा है। सिटी पुलिस कुएं को खाली करवा रही है। पुलिस को संदेह है कि इसमें और भी सामान मिल सकता है कोई बड़ा। हाँ कागजात भी मिले हैं, मार्कशीट भी मिली है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी मिले हैं, बहुत कुछ सामान मिला है श्रीमान जी। पुलिस ने जब कुएं में कांटा डलवा कर खोजना शुरू किया तो एक एक कर चोरी का सामान निकलना शुरू हो गया। फिलहाल पुलिस कुएं को खंगालने में जुटी हुई है, जिसके बाद अन्य चोरियों का राज भी सामने आएगा। अभी कुछ दिन पहले थाना कोतवाली ने चोर के एक गिरोह का पता लगाया था, तो उनसे हमको 3 चोरियां जो मुख्य थी वो बरामद हुई थी। उनसे उनके द्वारा पूछताछ भी की जा रही थी, उनके ऊपर संदेह भी था कि हो सकता है वो अन्य चोरियों में भी इन्वॉल्व हों, तो लगातार पूछताछ की जा रही थी। इसी पूछताछ के तारतम्य में एक ये जिक्र आया था कि कुआँ है जहाँ पर वो फालतू चीज़ें वहाँ पर फेंक देते हैं, जिसके आधार पर उस कुएँ की तलाशी, वहाँ से पानी हटा के और सामान को निकलवाया गया, तो वहाँ पर कई सारे बैग्स और अन्य सामग्रियाँ वहाँ पर मिली, जिससे इस बात का पूरा अंदेशा होता है कि इनकी संलिप्तता कई सारी चोरियों में है। और साथ ही साथ जैसे मुख्यतः जो ट्रेन में रेलवे सफर करने वाले यात्री होते हैं उनकी चोरियां करते हैं, और साथ साथ घरों में भी चोरियां करते हैं। इस प्रकार से इसमें अगर जांच आगे हम लोग जब करेंगे तो इसमें अन्य चोरियों का भी खुलासा होने की संभावना बन गई है।